आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान फॉलो अप। सड़क दुर्घटना में एक और यात्री की मौत, मरने वालों की संख्या हुई 3। धनगांव में बस हादसे के बाद भी नहीं जागा NHAI। लगातार घटनाओं के बाद भी रेलिंग विहीन है पुलिया। सनावत। मंगलवार को धनगांव के समीप सतसोई नदी भूतिया नदी के पुल से गिरी यात्री बस में मृतकों की संख्या 3 हो गई। बुधवार को गंभीर रूप से घायल एक और शिक्षक तिलोकचंद कलमे की चिकित्सा के दौरान मृत्यु हो गई। कलमे ग्राम बासवा के निवासी थे। दुर्घटना में क्षेत्र के 3 शिक्षकों की मृत्यु से शिक्षा जगत में शोक की लहर व्याप्त है। उल्लेखनीय है, खंडवा से सनावत की ओर जा रही यात्री बस क्रमांक MP09FA6658 गत मंगलवार को शाम लगभग 4:45 बजे भूतिया नदी में गिर गई। बस में सवार यात्रियों ने बताया कि बस की तेज रफ्तार और पुल की उबड़ खाबड़ सड़क दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है। जब यात्री बस तेज गति से पुल के ऊपर से गुजरी, उसी समय बस पूरी तरह डावाडोल हो रही थी। बस चालक तेज रफ्तार बस को नियंत्रित करने में विफल रहा और बस नदी में पलट गई। उल्लेखनीय है, ये पुल विगत कई वर्षों से अत्यंत क्षतिग्रस्त है और दुर्घटना से बचाव हेतु पुल पर रेलिंग भी नहीं लगाई गई। ग्रामीणों ने बताया कि इस पुल पर अक्सर बड़ी दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों ने पुल के सुधार के लिए कोई कदम उठाना मुनासिब नहीं समझा। ग्रामीणों ने शासन से मांग की कि दुर्घटनाएं रोकने के लिए इंदौर उच्छापुर हाईवे को 4 लेन में तब्दील करने के कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि यात्रियों को असमय कालग्रस्त होने से बचाया जा सके। मंगलवार को घटित इस भयावह दुर्घटना में 2 शिक्षकों राधा पिता दिनेश वर्मा निवासी बड़वा और कैलाश पिता गंगाराम निवासी रोशिया की मृत्यु हो गई। MPRDC ने नहीं दिया ध्यान। सड़क का सही रखरखाव नहीं होने के कारण लगातार यहां पर पूर्व में भी घटना घटित होती गई, लेकिन उसके बाद भी NHAI द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि इसी स्थान पर विगत 1 साल में 4 छोटी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बाद भी यहां पर न ही पुल पर रेलिंग लगाई गई और न ही पुल के आसपास गति अवरोधक बनाए गए। साथ ही लगातार हो रही घटनाओं के बाद NHAI नहीं जागा और सड़कों की दुर्दशा को लेकर कोई ठोस सुधार कार्य नहीं हुआ। वहीं इस विभाग से जुड़े हुए लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण को लेकर रुद्रा कंस्ट्रक्शन द्वारा सड़क का रखरखाव और पैचवर्क किया जाना था, लेकिन 4 लेन हाईवे का टेंडर कंपनी के बाद कंपनी द्वारा निर्माण को लेकर कोई कारगर कदम नहीं उठाए। इसके बाद मंगलवार को एक बार फिर हुई बस दुर्घटना के बाद शासन प्रशासन की लापरवाही को जनता के सामने रखा, जिसमें 3 लोग अकाल मौत के काल में समा गए। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।